नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टैक होल्डर्स को कैटर करेगी। अमेरिका बहुत जल्द लॉन्च करेगा अपनी क्रिप्टो पॉलिसी। क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बीच ब्लैक रॉक फाइल्स लॉन्च करेगी ब्लॉकचेन ईटीएफ। टाइम मैगजीन अपने एनएफटीज के खरीदारों को देगी कुछ खास बेनिफिट। एसईसी ने माइक्रो स्ट्रेटेजी की बिटकॉइन अकाउंटिंग पॉलिसी को किया रिजेक्ट, शेयर्स में आई गिरावट। इथेरियम के फाउंडर ब्यूटेरियन ने बताया कि कैसे उन्होंने $7 बिलियन के शिप किए गए। मार्केट क्रैश के कारण बायनांस के फाउंडर ने गवाए $13 बिलियन। ट्विटर पर लोगों ने निकाली क्रिप्टो मार्केट मेल्टडाउन की भड़ास। बिटकॉइन फिसला $36,000 से नीचे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो से छुड़ाया पीछा। ट्विटर भविष्य में खुद का क्रिप्टो कॉइन कर सकती है जैक। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिकन व्हाइट हाउस देश की क्रिप्टो पॉलिसी क्रिएट करने पर काम कर रहा है। वहीं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फरवरी में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू करेगा, जिसके तहत फेडरल एजेंसीज को डिजिटल करेंसीज को लेकर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। सभी एजेंसी के सीनियर अधिकारी डिजिटल करेंसी के मुद्दे को इफेक्टिवली टैकल करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व ने CBDC बनाने की दिशा में कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल होगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन CBDC को कैसे कंस्ट्रक्ट करे ताकि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ब्रांचेस द्वारा एक्सेप्ट हो जाए। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने आज आइशर्स ब्लॉकचेन और टेक ETF का नाम के एक ब्लॉकचेन बेस्ड ETF को लॉन्च करने के लिए US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक एप्लीकेशन फाइल किया है। US और नॉन US कंपनी से बने एक इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स को ट्रैक करना चाहता है, जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अक्टूबर 2021 में ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने कहा कि वो क्रिप्टो के बारे में उत्साहित थे और उन्होंने डिजिटाइज करेंसी को लेकर जो ऊंचाई दिखाई है वो दुनिया भर में यूजर्स की मदद करेगी। ब्लैक रॉक के पास मैनेजमेंट के तहत लगभग $10 ट्रिलियन के असेट्स है और फिलहाल में क्रिप्टो मार्केट कैप $1.66 ट्रिलियन है, जिसका मतलब यह है कि ब्लैक रॉक क्रिप्टो से लगभग 6 गुना बड़ा है। US बेस्ड टाइम मैगजीन क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री लेते हुए अब अपने रीडर्स को टाइम पीसेस खरीदने के लिए अपने इथेरियम वॉलेट से कनेक्ट करने की इजाजत देने के लिए तैयार है। टाइम पीसेस टाइम कम्युनिटी द्वारा क्रिएट किया गया यूनिक NFT है। आपको बता दें कि टाइम ने अप्रैल 2021 में अपनी डिजिटल मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए रीडर्स से क्रिप्टो को स्वीकार करना शुरू किया था। 12 साल पुरानी डिजिटल आर्टिस्ट नायला हेज द्वारा टाइम की वर्तमान NFT ड्रॉप लॉन्ग नेकी वुमन में वर्ष की 100 महिलाओं को दर्शाने वाली 1000 आर्ट वर्क्स है। ऐसे में हर एक NFT की कीमत 0.125 ETH है और पीसेस भी ओपन सी सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। वर्ष की 100 महिलाओं के NFT कलेक्शंस में दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और इंस्पायरिंग महिलाओं के पोर्ट्रेट्स भी शामिल है। हर एक टाइम पीस में यूटिलिटी फीचर्स है और टाइम वर्चुअल और लाइव इवेंट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, time.com तक अनलिमिटेड पहुंच और एयरड्रॉप तक की और ज्यादा एक्सेस देता है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म MicroStrategy INC को अकाउंट्स के एक अलग वर्जन को दाखिल करने से परहेज करने के लिए कहा है, जिसमें बिटकॉइन के ओनरशिप के कारण फ्लक्चुएटिंग ओनरशिप की पॉसिबिलिटी शामिल नहीं है। लगभग $5 बिलियन से ज्यादा मूल्य के बिटकॉइन होल्ड करने वाली इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेकर ने 2020 में कहा कि बिटकॉइन की बाइंग और होल्डिंग करना इसका की बिजनेस स्ट्रेटेजीज में से एक था, लेकिन साथ ही इसने डिजिटल असेट्स के वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने बुक्स में नॉन कंप्लायंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है। ऐसे में सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने इस प्रैक्टिस पर आपत्ति जताई है और साथ ही कंपनी को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस का पालन करने के लिए कहा है। MicroStrategy को एक और झटका तब लगा जब कंपनी ने शेयर में फ्राइडे को एक दिन में 20% तक की गिरावट आई, जो 23 फेब के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे ड्रॉप है।
इस तरह के शेयर लगभग 18% से नीचे 375.89 डॉलर पर क्लोज हुए। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने एक पॉडकास्ट में मई 2021 में एनोनिमस डेवलपर्स द्वारा गिफ्ट में दिए गए लगभग 7 बिलियन डॉलर के शिप टोकन से छुटकारा पाने की कठिनाई पर खुलकर बात की। डेवलपर्स ने शिप टोकन की टोटल सप्लाई के 50% टोकन ब्यूटेरिन को यह सोचकर गिफ्ट किए थे कि वो शिप को बंद कर देंगे, जिससे टोकन की डिमांड बढ़ जाएगी। ब्यूटेरिन ने इंडिया कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड को 1.2 बिलियन डॉलर के 50 ट्रिलियन शिप डोनेट किए थे, जबकि अपने बचे हुए 90% शिप टोकन बंद कर दिए थे, क्योंकि उनके हिसाब से किसी एक व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ब्यूटेरिन ने मजाक में पॉडकास्ट होस्ट को बताया कि इतने सारे पैसे बंद करने का पूरा प्रोसेस डरावना और मजेदार था, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोसेस शामिल था जिसका इस्तेमाल एक जेम्स बॉन्ड फिल्म की कहानी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तनाव से निपटने में काफी मददगार होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हाल ही में क्रिप्टो पोर्टफोलियो में देखी गई जबरदस्त गिरावट ने दुनिया भर के क्रिप्टो ट्रेडर्स को निराश किया है। ऐसे में लोगों ने मजाकिया तौर पर व्यंग भरे ट्वीट करके मार्केट मेल्टडाउन्स के दर्द को शेयर किया है। सिर्फ 24 घंटों में बिटकॉइन ने 11% की गिरावट देखी है, जबकि इथेरियम 15% से ज्यादा नीचे गिरा है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार BTC लगभग $35,000 और इथर $2,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि कल से ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में 12% की गिरावट आई है। लेटेस्ट मेल्टडाउन के दौरान क्रिप्टो ट्विटर ने अपने कलेक्टिव माइंड को नहीं खोने की पूरी कोशिश की। कुछ डिजिटल असेट ट्रेडर्स ने डीप के दौरान क्रिप्टो खरीदने के हौसले अफजाई भरे ट्वीट किए, लेकिन इन सब के बीच कुछ यूजर्स ने लो पोर्टफोलियो के बावजूद अपनी स्पिरिट हाई रखते हुए हंसी मजाक का सहारा लिया। एक यूजर ने ट्वीट किया कि बिटकॉइन की तेजी में अपने जॉब छोड़कर बहुत मौज कर ली, अब मंदी में फिर से जॉब पे जाने के ख्याल से जान जा रही है। वही दूसरे यूजर ने लिखा कि मेल्टडाउन बंद नहीं हुआ तो मोटर कार में घूमने के बाद अब हाथ में भीख का कटोरा आते देर नहीं लगेगी। ऐसे में कुछ लोगों ने मार्केट के शांत होने की उम्मीद रखी और मार्केट के ठीक होने की आशा व्यक्त की। क्रिप्टो मार्केट के लिए सैटरडे मुश्किल भरा था। दरअसल बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा पिछले 24 घंटों में 8% से ज्यादा नीचे गिरा है। ग्लोबल स्टॉक्स में इसी तरह की गिरावट के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई गिरावट से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व रेट में बार बार बढ़ोतरी की उम्मीद में रिस्क असेट को अनवाइंड कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटों में इन्वेस्टर्स ने 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा की पोजीशंस लिक्विडेट की, जबकि 48% बुलिश या लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट किया गया था। वही लगभग 52% शॉर्ट पोजीशन को भी लिक्विडेट किया गया था। इस तरह से बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $69,000 से लगभग 40% नीचे है, जबकि S&P 500 अपने पीक से लगभग 7% नीचे है। वही नैस्डैक 100 इंडेक्स में 10% की गिरावट देखी गई। ऐसे में इधर पिछले 24 घंटों में लगभग 13% नीचे फिसला है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन $35,680 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इधर $2,469 पर था। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 10% से घटकर $1.7 ट्रिलियन हो गया है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ।